हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सब्ज़ी बताने जा रही हूँ कि आप खा के मस्त हो जाएंगे। ये चने हैं हमारे यहाँ, शाम को कल सुबह मैंने छौंके थे और बच गए थे, मैं उसी की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। और बैंगन है और एक आलू है उगली, एक टमाटर है, आप देख सकते हैं, ये हींग है और ये सारे मसाले हैं, मिर्ची, प्याज, लहसुन, सौंफ, बड़ी इलायची। एक चार लोगों की मैं सब्ज़ी बना रही हूँ तो एक ही इलायची काफ़ी है, ज़्यादा मत डालिएगा। और थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी काली मिर्च, नमक, हल्दी और हींग। मैं बांधानी की हींग ही यूज़ करती हूँ। तो इन सभी मसालों को हम मिक्सी में पीस लेंगे। अच्छा, आपने देखा होगा कि मैं हरी मिर्च जो सूख जाती है उसी का यूज़ करती हूँ। वो इसलिए कि आप अगर इस मिर्ची का यूज़ करेंगे तो बहुत सोंधा बना जाता है सब्ज़ी में। बार बार मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि जो मिर्ची आपकी लाल हो जाए, सूख जाए, तो उसे फेंकिए मत, उसका भी यूज़ होता है और बहुत अच्छा लगता है। आप जब इसका मसाला पीस के सब्ज़ी बनाती हैं। और मैंने ये आधा लहसुन, 8-10 कलियाँ हैं इसमें, और एक टमाटर डाला है। इसको महीन महीन हम काट लेते हैं ताकि मिक्सी अच्छे से चले। आपने हर वीडियो में मेरी देखा होगा कि मैं मसाला जो है महीन महीन ही काट के पीसती हूँ सब चीज़ों को। नमक मैं बाद में डालूँगी। और अब इसमें हम डालेंगे सौंफ, जीरा और काली मिर्च, थोड़ी सी हल्दी कलर के लिए, और मैं हींग भी इसी में पीस लेती हूँ मसाले में। स्वाद बहुत अच्छा आता है, मेरी तरह बना के एक बार ज़रूर देखिएगा, सब्ज़ी आपको अच्छी लगेगी। अब मैं इन सभी चीज़ों को पीस लूँगी मिक्सी में। इसका फाइन पेस्ट, ये देखिए मेरा मसाला पिस गया है और अब इसे मैं साइड में रख दूँगी। आप देखिए, जब भी मेरे यहाँ चने बच जाते हैं मैं यही सब्ज़ी बना लेती हूँ। ये है राजेश सब्जी मसाला, इसे आप 1 चम्मच डाल दीजिएगा। मेरे में इसमें पैकेट में बहुत ही कम था तो मैंने उसमें 1 चम्मच ही होगा लगभग, वही मैंने डाल दिया है, आप नाप के 1 चम्मच डाल दीजिएगा। अब मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, गैस को ऑन कर लेंगे और उसमें थोड़ा तेल डाल देंगे, गर्म होने का इंतज़ार करेंगे। और मैंने जो बैंगन डाले थे दो, उसे पहले हम तेल में अच्छे से तल लेंगे। गोल्डन ब्राउन जब ये हो जाएंगे तब इसका सब्ज़ी का स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हम भून लेंगे, डीप फ्राई कर लेंगे। आप देखिए मैं इसे अच्छे से अलट पलट के भून रही हूँ, और जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाएंगे तब तक मैं इन्हें ऐसे ही भूनती रहूँगी। और चना तो वैसे भी उबला हुआ है क्योंकि मैंने सुबह कल्हा रहा था इसको, और शाम को मैं ये सब्ज़ी बना रही हूँ क्योंकि बच गया था, ज़्यादा था तो मैंने सोचा इसका करूँ क्या, तो मैंने सोचा मैं इसकी सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो जब भी आपके यहाँ चना बच जाए आप सब्ज़ी बना लीजिए। बैंगन मेरे पक चुके हैं, अच्छे से मैंने इन्हें भून लिया है। अब गरम तेल था तो मैं उतने ही तेल में मसाला डाल दूँगी। 2 चम्मच मैंने तेल डाला था, बड़ा चम्मच, इसको तलने के लिए बैंगन को, और उसी में मैंने मसाला डाल दिया है। अगर आप तेल कम खाते हैं तो आप बैंगन मत पलारिए। मसाले में जो मैंने मिक्सी में पीसा था उसे भी मैं धुल के इसी में डाल देती हूँ मसाले में, उस पानी को। और देखिए अब अच्छे से मसाला हम भून लेंगे। 1 चम्मच हम इसमें मलाई डाल देंगे, मलाई डालने से बहुत बढ़िया स्वाद आता है इसका, और उसे अच्छे से मिक्स कर देंगे मसाले में। और मसाला आप जब तक भूनिए जब तक वो तेल नहीं छोड़ देता। मसाला भुनने की सबसे बड़ी पहचान यही है कि तेल अलग हो जाता है मसाले से, तब आप समझ जाइएगा कि मसाला भुन चुका है आपका, तभी आप इसमें सब्ज़ी डालिएगा। इसमें ज़्यादा कुछ पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि बैंगन भी पक गया है, आलू भी उबली हुई है, और चना भी मैंने छौंका था वही चना मैं इसमें डालूँगी, तो कोई ज़्यादा देर इसमें सब्ज़ी में नहीं लगती है, फटाफट सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाती है। बस इसकी तैयारी में ही थोड़ा टाइम लगता है। देखिए मेरा मसाला अच्छे से पक रहा है, तेज़ आँच कर दीजिए। तेज़ आंच पे मैं मसाला पका रही हूँ, और मैंने मोटी कढ़ाई ली है इसलिए मैंने तेज़ कर रखा है इसे। अगर आप लोहे की कढ़ाई में बनाइए तो प्लीज़ गैस तेज़ मत कीजिएगा वरना मसाला नीचे से जलने लगेगा, और इसे बार बार चलाते रहिए।
मोटी कढ़ाई में तो फिर भी ये आप नहीं चलाएंगे बार बार तो काम चल जाएगा, लेकिन लोहे की कढ़ाई अगर हो तो बार बार मसाले को चलाते रहें ताकि मसाला नीचे से जले ना, अगर जल जाएगा तो सारी सब्जी का स्वाद ये बिगाड़ देगा मसाला। देखिए मेरा मसाला अच्छे से भुन रहा है, प्लीज़ एक बार बना के ज़रूर देखिएगा इस तरह रेसिपी और आपको बहुत पसंद आएगी। ये देखिए चना है बचा हुआ, एक आलू उबला मैंने लिया है क्योंकि मेरे हस्बैंड के शुगर है, इसे मैं आलू बहुत कम यूज़ करती हूँ और वो भी जब भी मैं यूज़ करती हूँ तो उबाल के ही आलू यूज़ करती हूँ। देखिए हमारा मसाला तेल को छोड़ रहा है और अगर आपके यहाँ किसी के शुगर है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं आलू को अगर वो नहीं खाते हों। देखिए मैं मसाला अच्छे से तल रही हूँ, मसाला तलने में ही इसमें टाइम लगता है ज़्यादा, बस आप देख सकते हैं मेरे मसाले ने तेल को छोड़ दिया है, आप किनारे किनारे देखिए मसाला और तेल अलग अलग है। इसे अच्छे से चलाएंगे, मैं मसाला बहुत देर तक भूनती हूँ, जितना ही आप मसाले को भूनेंगे उतनी ही स्वादिष्ट सब्ज़ी बनेगी। और हमेशा इसे मोटी कढ़ाई में ही सब्ज़ी, अगर आप कढ़ाई बना रहे हैं तो मोटी कढ़ाई में ही बनाएं। अब मैं सारी सामग्री इसमें डाल के चला दूँगी अच्छे से, बहुत अच्छे से इसे मिक्स कर दीजिए। देखिए बस इसे पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और मैंने छोटी कढ़ाई में इसलिए इसे बनाया है कि मैं इसमें रसा बहुत ही थोड़ा सा लगाऊंगी ताकि इसका स्वाद भी बना रहेगा और बढ़िया अच्छे से ये पक भी जाएगी, क्योंकि कढ़ाई छोटी है। आप सोच रहे होंगे कि इसमें कैसे बन पाएगा, मैं तो अंदाज से पानी डाल रही हूँ, आप इसमें एक गिलास चार लोगों की सब्ज़ी में पानी डाल सकते हैं मीडियम साइज़ के गिलास से। और अगर आप पतली खाते हैं या गाढ़ी खाते हैं तो थोड़ा और कम डालिए। अब मैं इसे एक थाली से ढक दूंगी और देखिए मेरी सब्ज़ी फटाफट ये पक चुकी है, पक के तैयार हो चुकी है और स्वाद भी बहुत बढ़िया लगता है इसका खाने में। और देखिए मैंने इसे एक बाउल में निकाल लिया है, एक बार बना के ज़रूर देखिए, आपको बेहद पसंद आएगी ये सब्ज़ी। और अब मैं इसमें डालूँगी सूखा हुआ पुदीना, जो मैंने इसे मैं पुदीना सूखा के रख लेती हूँ और मैं यूज़ कर रही हूँ, बहुत पहले मैंने जाड़े में इसे सुखाया था। देखिए कितनी बेहतरीन सब्ज़ी है, तो चलिए सब मिलके खाते हैं।